प्रदेश में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो गया। चार दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने 207 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शेष सदस्यों को आज मंगलवार को कार्यवाही के दौरान शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव पहले ही शपथ ले चुके हैं। अब इस तरह से 230 में से शपथ के लिए कमलनाथ सहित 22 विधायक बचे हैं, जिनको आज मंगलवार का दिन तय था। वैसे इसके बाद भी सुविधा अनुसार शपथ ली जा सकती है। शपथ में सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला की शपथ हुई। फिर शिवराज सिंह का नंबर आया। खैर, मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कि आखिर कब होगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या नए चेहरे होंगे या वरिष्ठों को मौका मिलेगा या फिर जो नए चुनकर आए हैं उनमें से कई होंगे। तमाम अटकलों का दौर जारी है। फिलहाल मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का गठन का मामला अभी अटका हुआ है। मंगलवार को मंत्रिमंडल गठन की संभावना थी, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के मंत्री बनने के लिए तैयार होने की संभावना से यह फिलहाल टल गया है। नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से प्रारंभिक रूप से मंत्रियों की सूची पर चर्चा हो चुकी है। कुछ दिग्गज नेताओं के नामों पर उलझन। बताया जा रहा है कि वे अपने जूनियर के साथ भी मंत्री बनने को तैयार है। वही भाजपा ने अपने सभी विधायकों को विधानसभा सत्र चलने तक भोपाल में ही रुकने के लिए कहा है। बीजेपी में सबसे मुश्किल है जिन्हें सांसदी से विधायक का चुनाव लड़वाया गया, जीत भी गए। अब ऐसे में उन्हें बड़े मंत्रालय की चाह होगी, क्योंकि कोई केंद्रीय मंत्री रह चुका है तो कोई 2 से 3 बार के सांसद, तो कोई संगठन में दशकों से अपनी सेवा दे चुका है। ऐसे में सांसदी छोड़ विधानसभा में आने वाले प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को तो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, जहां पर रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह के नाम लगभग तय बताए जाते हैं। बिंद में कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यदि नए चेहरे शामिल किए जाते हैं तो दिग्गज पीछे रह सकते हैं। नागौर के नागेंद्र सिंह, तो वहीं गुढ़ से नागेंद्र सिंह, दिव्यराज सिंह, कुमार सिंह टेकाम, प्रदीप पटेल, गिरीश गौतम जैसे वरिष्ठ विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब ऐसे में प्रदेश स्तर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्या होगा। वहीं पर शिवराज सिंह मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर दिल्ली जाए। दोपहर 12 बजे नड्डा से मुलाकात में उनकी अगली भूमिका तय हो सकती है। शिवराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 11 बजे वे दिल्ली पहुंचेंगे। नतीजों के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा होगा। वहीं पर दिल्ली में लॉबिंग के सवाल पर वे पहले भी कह चुके हैं कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है दिल्ली जाने से बेहतर है कि मरना पसंद करूंगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह आनंद का विषय है कि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है। पीढ़ी परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दोनों पक्षों में देखने को मिल रही है और इसे हमें बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है मंत्रिमंडल के गठन में कि आखिर बीजेपी कैसे संतुलन बना पाएगी मंत्रिमंडल में।